नमस्ते सभी को। बढ़िया। तो हम लोग अभ्यास एक के स्टेप सिक्स पे अभी अभ्यास कर रहे हैं, और कल हम लोगों ने असाइनमेंट लिया था कि क्या हमें स्वयं में चिंतन की, बोध की, अनुभव की अनिवार्यता दिख पा रही है कि नहीं। क्या हमें इस बात की अनिवार्यता दिख रही है कि बिना संबंध को ठीक ठीक समझे निरंतर सुख की स्थिति नहीं बन सकती, बिना व्यवस्था को समझे निरंतर सुख की स्थिति नहीं बन सकती, बिना सहअस्तित्व का अनुभव किए निरंतर सुख की स्थिति नहीं बन सकती। तो इस बात पे अगर हम लोगों ने ध्यान दिया हो, इस पे अगर कुछ निष्कर्ष निकाले हो, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। शीला मिश्रा जी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। इस पे देखने का प्रयास किया तो कहीं कहीं पे थोड़ा समझने में दिक्कत भी आई। जहां पर व्यवस्था की दृष्टि से देखा, जैसे दो लोग एब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, फॉर एग्जांपल जो घरेलू हिंसा के टर्म में अगर ले लें या घरेलू संबंध के टर्म में ले लें, तो फैमिली कोर्ट में जैसे जो केस जाता है, तो वहां पर उस संबंध को समाप्त करने के बाद देखा गया है कि व्यवस्था में अधिक हार्मोनी होती है, बजाय इसके कि उस संबंध को बनाए रख करके और किसी तरह एनी हाउ उस संबंध को चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम अपने व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो हमें लगता है हमारा कंट्रोल है अपने ऊपर, हम लगातार काम करके अपनी प्रगति देख सकते हैं। लेकिन जहां पर यदि मेरी भूमिका व्यवस्था बनाने की है, तो वहां पे कुछ रिलेशंस खत्म करने से व्यवस्था अधिक सुंदर दिखाई पड़ती है पहले से। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है कि रिलेशनशिप्स से व्यवस्था बनती है या बिगड़ती है, अन्यथा कोर्ट और जो डिसीजंस होते हैं उनको हम कैसे समझें, कैसे देखें। थैंक यू भैया। जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दीदी। इनफैक्ट इस पे हम लोगों ने संक्षेप में पहले भी बात किया था, उसको थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं। तो जब हम संबंध को देख रहे होते हैं, वो भी किसी एक व्यक्ति के साथ, तो फिर ऐसी कठिनाई होती है कि दूसरे व्यक्ति में समझने की तत्परता नहीं है, या अमानवीय आचरण है, या चारित्रिक दोष है ना। तो हम उसका जब निर्णय लेने जाते हैं तो कई बार स्पष्टता नहीं बनती। परंतु जब हम सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं, अन्य व्यक्तियों के साथ भी संबंध को देखते हैं, और फिर वहां पे व्यवस्था शामिल हो जाती है, तो फिर हम संबंध को व्यवस्था के अर्थ में परिभाषित कर पाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है ना, अमानवीय आचरण कर रहा है, तो उसको वैसा आचरण करते हुए देख कर भी मेरे अंदर विश्वास अभाव बना रहता है, जिसकी चाहना पे शंका नहीं होती, मैं उसका सही मूल्यांकन भी कर पाता हूँ, और उस संबंध को मैं आगे कैसे निर्वाह करूं, इसके लिए व्यवस्था को ध्यान में रख के निर्णय ले पाता हूं। तो उसमें ये भी एक संभावना है कि हम हट जाएं वहां से, तो जो भी व्यवस्थागत प्रोविजंस है ना, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें एक संभावना है कि वहां से हट जाएं, अगले व्यक्ति को समझने का अवसर दें, या फिर यदि बहुत ही विषम परिस्थिति है तो ऐसे भी निर्णय लिए जा सकते हैं, इसमें डिवोर्स ले लिया। परंतु इन सब में मुख्य बात यह है कि हमारे में विश्वास का भाव, सम्मान का भाव बना रहता है। इनफैक्ट ठीक से देखें तो स्नेह का भाव भी बना रहता है। हम अगले व्यक्ति के विकास के लिए ही निर्णय लेते हैं। समस्या तब आती है जब हमें हमारे अंदर विश्वास का भाव नहीं होता। तो आप पाएंगे कि जनरली ऐसे रिलेशंस में, जहां रिलेशन थोड़े अब्यूजिव भी हैं, वहां ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति पूर्णतया समझदार है और दूसरा व्यक्ति पूर्णतया ना समझ, दोनों में समझ का भाव होता है। तो दोनों में समझ का भाव होता है, तो दोनों की तरफ से व्यवहार में चूक होते हैं, दोनों की तरफ से भाव में चूक होते हैं। अगर एक व्यक्ति में भाव की पूर्णता हो, तो इसकी काफी संभावना है कि अगले व्यक्ति में परिमार्जन शुरू हो जाएगा, बट वो अभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे तरफ भी भाव की कमी रहती है, समझ की कमी रहती है। बट हाँ, यदि बहुत ही प्रतिकूल स्थिति है, अगला व्यक्ति वायलेंट है, हिंसात्मक आचरण है उसका, तो हम ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो परिवार की व्यवस्था के आधार पे हो, जो समाज की व्यवस्था के आधार पे हो। अगला व्यक्ति हो सकता है कोई क्रिमिनल हो, नक्सलाइट है ना, आतंकवादी है, अगर ऐसे भी कुछ दोष दिखाई देते हैं तो वहां पे भी ऐसे निर्णय लेंगे। परंतु हर समय हमारे अंदर जो भाव है वो निश्चित रहता है,
इसलिए कई बार कहते भी है ना कि व्यवस्था को समझने के आधार पर ही संबंध भी परिभाषित हो पाते हैं, क्योंकि हम जब संबंध को अभी देखने जाते हैं तो वन टू वन रिलेशन में देखते हैं, परंतु संबंध मेरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है, समाज के हर व्यक्ति के साथ है। तो प्रेम के भाव के साथ, करुणा के भाव के साथ हम व्यक्तिगत संबंधों में निर्णय लेते हैं, तो उसमें ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो मेरा भाव उस व्यक्ति के प्रति ठीक है कि नहीं, विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव ये है कि नहीं, बना हुआ है कि नहीं, इसको हम जरूर देखेंगे अपने आप में। दूसरा, व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। तो संबंध में जो हम निर्वाह करते हैं उसमें हम निर्णय लेंगे। निर्वाह में है ना, साथ रहना भी एक निर्वाह है, साथ नहीं रहना भी निर्वाह है। साथ रहना भी निर्वाह है, साथ नहीं रहना भी निर्वाह है, ठीक है ना। परंतु मेरे अंदर विरोध का भाव कभी नहीं होगा, ये निश्चित है। जी थैंक यू जी, ये बात स्पष्ट है दीदी? जी जी भैया, कि जो बड़ी व्यवस्था है उसके आधार पर निर्णय होगा कि बड़ी व्यवस्था पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हाँ। सामाजिक दृष्टि से भी और संवैधानिक दृष्टि से भी। हाँ, और उसमें ये मुख्य बात है कि मेरे संबंध का भाव बना रहता है, मैं अगले व्यक्ति के विकास के अर्थ में ही निर्णय ले रहा हूँ, ये भाव बना हुआ है कि नहीं ये देखना। मैं दुखी होकर निर्णय ले रहा हूँ ऐसा नहीं, अगर मैं दुखी होकर निर्णय ले रहा हूँ तो मेरे समझ का भाव है, बट यदि मैं दूसरे के विकास के अर्थ में निर्णय ले रहा हूँ तो यहाँ संबंध का भाव है, कि दूसरे के विकास के अर्थ में साथ रहना भी हो सकता है, अलग रहना भी हो सकता है। तो निर्वाह में ये सारा वेरिएशन होगा डिपेंडिंग की अगले व्यक्ति की योग्यता किस प्रकार की है। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस और रिपरकशन, जो रिस्पांस दूसरी साइड से आएगा, उसका भी प्रभाव किस स्थिति तक व्यक्ति सहने में सक्षम है कि अपना भाव न बदले और फिर भी स्नेह का भाव बनाए रखे। क्योंकि एक निर्णय लेने के बाद दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और उसके प्रभाव व्यवहार का पुनः क्या प्रभाव पड़ा, ये एक लॉन्ग कॉन्सिक्वेंस चलता रहता है। ये केवल एक निर्णय के समय पर ही लिया गया निर्णय नहीं है, उसका आगे पीछे भी चलेगा। तो वो कैपेबिलिटी भी दोनों पक्ष से बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। है ना, तो देखिए ये भी है, और साथ में हमें ये भी देखना होगा कि हमारा निर्णय इतना गलत कैसे हो गया, तो जरूर हमारी भी अपनी कोई प्री कंडीशनिंग होगी, उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो जी, जो हमने ये संबंध का चयन किया वो किस आधार पे किया, उसका तो मूल्यांकन जरूरी है, वो तो हमारी समझ का ही अभाव होगा अगले भैया, व्यक्ति को किया इसमें लेकिन। इसमें जैसे यदि आप स्वयं उस संबंध में हैं तो एक बात है, लेकिन यदि आप किसी दूसरे के संबंध के बारे में निर्णय दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कई जगह आपको ऐसी पोजीशन दी जाती है जहाँ पे आपको दूसरों के संबंधों के ऊपर कोई ना कोई निर्णय देना होता है, जैसे एक कंप्लेंट कमेटी भी होती है, इंटरनल कमेटी जिसको कहते हैं, सभी इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस में दो लोगों के बीच बड़ा एक कॉर्डियल रिलेशन रहा कुछ दिन, उसके बाद वो एक दूसरे तरीके से मुड़ गया। अब उस समय आपको एक निर्णय देना है तो उस समय के बारे में भी है ना, व्यवस्था की दृष्टिगत आप निर्णय देते हैं, लेकिन उस निर्णय के बाद भी उन दोनों के बीच क्या संबंध रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि दोनों रिएक्ट कैसे करेंगे और व्यवस्था को खराब आगे भी नहीं करेंगे। तो उस दृष्टि से भी भैया समझना था, अपने स्तर से तो व्यक्ति उसका कर सकता है आकलन, पर दूसरे दो लोगों के बीच में क्या चल रहा है उसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल होता है। जी धन्यवाद भैया। जी जी तो उसमें भी देखिए, ये अब ये एक अलग तरह की स्थिति है, जो पहले बात हो रही थी वो पति पत्नी संबंध को ध्यान में रखकर मैंने कहा था। ये जो साथी सहयोगी संबंध होते हैं, जहां हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ काम कर रहे होते हैं, तो जो कॉर्डियल रिलेशन भी बना हुआ है उसका भी मूल्यांकन करेंगे कि हो सकता है अधिमूल्यन कर लिया है ना, हो सकता है कि वहां पर गलत मूल्यांकन के आधार पर संबंध को परिभाषित कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग मिलके खूब पब्लिकेशन कर रहे हैं साथ में, उदाहरण के लिए, ठीक है ना, एक दूसरे के लाभ के लिए काम कर रहे हैं तो लग रहा है बढ़िया चल रहा है, अब एक के लाभ से दूसरे को हानि हो गई तो बिगड़ गया मामला, है ना। हमने पब्लिकेशन किया, अगले का नाम नहीं दिया पेपर में, अब बिगड़ गया मामला। तो वहां तो दृष्टि तो लाभ की है, तो उसमें आप नहीं तो कल बिगाड़ तो होना ही है,
इसमें समझ का भाव तो दोनों तरफ से है, तो प्रोएक्टिवली हम समझ पे काम करेंगे ताकि ऐसी स्थितियां ना बने ऑर्गेनाइजेशन में भी। जी जी भैया, थैंक यू भैया। जी बढ़िया दीदी। कौशल किशोर जी आपका हैंड रेज था। प्रिया जी नमस्ते भैया, मेरा क्वेश्चन अलग है लेकिन जो दीदी ने पूछा अभी मेरे को आफ्टर द यूएचवी जो फैमिली में आया अभी मेरे को समझ में आ गया भैया, फैमिली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में दोनों का प्रॉब्लम से होता है, ऐसा नहीं कि एक के जिनसे सेपरेशन में हो जाता है, एटलीस्ट एक थोड़ा कॉम्पिटेंट है तो कोई भी रिलेशनशिप ठीक कर सकता है लेकिन टाइम लगेगा। तो अभी जो भी मेरे फैमिली में ऐसा प्रश्न आता है और ये फ्रेंड सर्कल में आता है तो मैं कभी भी डाइवोर्स के लिए सजेस्ट नहीं करते हैं। मैं अभी मेरे में समझ में आ गया है जिस जैसे शादी हुआ है दो जन के बीच जो इट इज टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड कोई भी प्रश्न हो जाता है अगर एटलीस्ट एक थोड़ा कॉम्पिटेंट है तो स्लोली स्लोली और रिलेशनशिप ठीक कर सकता है। तो वो मेरे में पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं सोचता था ऑफ कोर्स वी नीड टू अगर बहुत टाइम से देख रहा है कि वो रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, इट इज बेटर टू गेट सेपरेटेड। बट अभी मेरे को समझ में आ गया है कोई ऐसा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इफ यू पुट एफर्ट स्लोली स्लोली इट विल वर्क आउट। भैया वो मेरे को समझ में अभी आ गया है ये जब दीदी पूछ रहे थे। भैया मैं ऑडिबल हूँ। जी जी बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन मेरे भैया, मेरा एक मेरा जो डिपार्टमेंट में अभी 5 नया स्टाफ आया था आफ्टर द कोविड रिक्रूटमेंट हुआ था, तो 5 उसमें एक स्टाफ भैया 3 दिन पहले शी कमिटेड सुसाइड। वो इतनी अच्छी टीचर थी, मैं उसको देख रही थी, 3 महीने ही हुआ था तो उसको देख रही थी। शी वॉज वेरी कॉर्डियल टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स, वो हमेशा सबका पॉजिटिव साइड ही देखता था, स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप था एज ए टीचर हाउ शी हैज टू बी। तो वो जब हुआ भैया मेरे को डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है और मेरे को गिल्टी भी हो रहा है कि मैं उसके सेम डिपार्टमेंट में था, हेड था। वो जो she must be going through something which I could not, I could observe she had some issue, but मैं उसको like no help भी नहीं कर पाया और ऐसे situation हो गया। और मैं अभी 2 दिन हो गया still मेरे को उसमें आने का to come out of, I am feeling very, I am not able to come out because last month में मेरे पापा का पापा भी expired हुआ था लेकिन मैं बहुत I could come out very fast, but this is getting disturbed. I'm seeing her face every time. She was very happy the previous day also. We had Christmas celebration. लेकिन कैसे ऐसे कैसे होता है, इतना अच्छे मूड में था। मरने के पहले 1 घंटे पहले उसने एक स्टूडेंट को भी फोन किया था क्योंकि वो पूरे क्लास क्रिसमस सेलिब्रेशन में नहीं आया था, उनको कुछ इशू हुआ था। तो शी कॉल्ड दो स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड व्हाई यू पीपल डिडंट कम, इट्स नॉट नाइस व्हेन ऑल द क्लास इज सेलिब्रेटिंग। सो शी इतना ऐसा एक टीचर को कैसा हो सकता है, इसलिए आई एम सो डिस्टर्ब भैया। और इसमें से मेरे 2 दिन से वो डिस्टर्बेंस से आई कुड नॉट डू एनीथिंग एंड मेरे घर वाले घर के जो मेरे बेटे हैं हस्बैंड हैं वो लोग मेरे से कुछ बात कर रहे हैं, आई एम गेटिंग इरिटेटेड आल्सो व्हाई दे कैन नॉट अंडरस्टैंड माय सिचुएशन लाइक दैट। जी तो ये हो सकता है कि व्यक्ति आउटवर्डली तो एक तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है बट स्वयं में किसी बात से बहुत दुखी है, परेशान है, चिंतित है और उसका दुख इस सीमा तक बढ़ गया है कि उसको ऐसा लगता है कि शरीर को अगर बनाए रखेंगे तो ये दुख जाएगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो उस पॉइंट पे ऐसा निर्णय ले लेते हैं लोग झटके में। वो मैरिड थी अनमैरिड थी? मैरिड था और 6 साल की एक लड़का भी है। तो ऐसा हो सकता है। देखिए ये सारे तो केसेस अभी आते ही रहे हैं, मतलब अगर देखें तो फैमिलीज में भी हो रहा है। अभी
कल या परसों का ही न्यूज है, कोई टीवी एक्ट्रेस ने भी सुसाइड किया है, तो यही सब धीरे धीरे बढ़ रहा है समाज में। अभी आप देखिए स्टूडेंट्स के बीच में भी हो रहा है, वो बच्चे जो सेलेक्ट होकर IIT में आते हैं, समाज की दृष्टि में बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले बच्चे होते हैं, परंतु वहाँ उनको किसी पॉइंट पे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ। तो इस तरह के निर्णय मनुष्य तभी लेता है जब उसको अपने क्षमता पे डाउट होता है कि स्थिति परिस्थिति में अब मैं सुखपूर्वक नहीं जी सकता, मेरे अंदर इस क्षमता नहीं है, तो फिर वहां पे वो ऐसे निर्णय लेता है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का कंटेंट व्यक्ति तक पहुंचे जहां व्यक्ति में ये विश्वास हो कि हर मनुष्य की चाहना ठीक है, मेरे जैसी ही है, हर मनुष्य में क्षमता है और क्षमता मुझ में भी है, और हम मनुष्य के पास सुखपूर्वक जीने का एक निश्चित कार्यक्रम है, जो मेरा है वही अगले व्यक्ति का है। इस बात को नहीं देख पाने पे लोग डिप्रेसिव स्थितियों में जाते हैं। अगर आदमी को सिर्फ ये तीन चीजें दिख जाती हैं कि चाहना मेरी बिल्कुल ठीक है, क्षमता मुझ में पूर्ण है, और सुखपूर्वक जीने का कार्यक्रम मेरा निश्चित है, तो व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव विचार आएगा ही नहीं सुसाइड करने का। फिर वहां पे सिर्फ इतना ही दिखता है कि कॉम्पिटेंसी कमी है, उसको बढ़ाएंगे, अगले व्यक्ति में है तो उसकी बढ़ाएंगे, अपने में है तो अपनी बढ़ाएंगे। सिर्फ कॉम्पिटेंस का इशू है, न तो क्षमता का इशू है, न चाहने की इशू है, न कार्यक्रम का इशू है। तो जो हम लोग सम्मान के भाव पे जब चर्चा करते हैं ना, तो वहां पे जो ये बात रखते हैं अति सिमिलर टू मी, उसमें तीन बातों को स्वयं में भी देख पाना और अगले व्यक्ति में भी देख पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं में देख पाते हैं तो ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे, अगले व्यक्ति में देख पाते हैं तो अगले व्यक्ति के प्रति विरोध का भाव कभी नहीं आएगा। अभी ऐसा नहीं देख पाते हैं क्योंकि इतना एक्सप्लोरेशन किए भी नहीं रहते हैं, और पढ़ाई लिखाई से एक्सप्लोरेशन होता भी नहीं है। आप पाएंगे कि लोग बिजनेस टाइकून बन के भी कई बार सुसाइड करते हैं, है ना, समाज में नाम कमा के भी सुसाइड करते हैं, क्योंकि ये आश्वस्ति अपने अंदर होती नहीं है कि पर्पज, प्रोग्राम, पोटेंशियल, इन तीनों में मैं कंप्लीट हूँ, और इसमें दूसरा व्यक्ति भी कंप्लीट है। स्वयं में कंप्लीटनेस दिखाई देती है तो स्वयं में विश्वास बनता है, दूसरे में कंप्लीटनेस दिखाई देती है तो दूसरे का हम सही आकलन कर पाते हैं, संबंधों में विश्वास बनता है, उसमें पूरकता दिखाई देती है। हाँ भैया, जी एक्चुअली मैं उसको सब टीचर्स को UHV का वर्कशॉप अटेंड करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि अभी सेमेस्टर चालू था इसलिए जनवरी में सेमेस्टर ब्रेक होगा, सुना है टीचर्स को बोल रहे थे। मेरा लाइक आई एम फीलिंग वेरी लिसनिंग आल्सो, बट व्हाटएवर हैड हैपेंड वी कैन नॉट टेक इट बैक। बट आई वाज मैं अभी ऑब्जर्व कर रहे थे इसको क्या आई वांट टू नो व्हाट हैड हैपेंड, वॉट इज द इश्यू सो दैट इट विल नॉट हैपन अगेन। तो वो ठीक है भैया, मेरे को इंक्विजिट हो रहा है इस, क्योंकि किस कारण से इसने ऐसा किया, तो फ्यूचर में कोई टीचर या कोई स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जी देखिए, चाहिए तो कहना ठीक है, परंतु अगर आप देखें तो भले ही एक व्यक्ति सुसाइड करता है, परंतु कम से कम 100 लोगों के अंदर ऐसे विचार चलते हैं, ठीक, 1% लोग ही हो सकता है ऐसा निर्णय लेते हो, तो ऐसा विचार भी क्यों चले, सीधे भाव विचार पे काम किया जाए। क्या होता है जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों को ऐसे कंटेंट का महत्व दिखाई देता है कि घटना किसी भी स्तर पर हो सकती है, बच्चे कर सकते हैं, फैकल्टी कर सकते हैं, स्टाफ कर सकते हैं, तो स्वयं में विश्वास का होना, संबंधों में विश्वास का होना ये बहुत जरूरी है जी। और कारण तो समझ में आता है, देखिए घटनाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है ना, परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, बट मूल मुद्दा तो इतना ही है कि व्यक्ति को स्वयं में विश्वास नहीं बन पाया इसलिए ऐसा निर्णय लिया। ओके भैया, थैंक यू। जी नरेश कुमार जी, नरेश कुमार जी आपका हैंड रेज है। बढ़िया, तो इस चीज को हम अपने आप में देखें कि क्या मेरे अंदर हर मनुष्य के प्रति हर क्षण संबंध का भाव हेलो, बना है। जी आवाज आ रही सर मेरी? जी जी आ रही है नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। असल है सर वो म्यूट म्यूट था, मैं जी। बोल रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं गया सर उस पर।
सर ये जो सुसाइड करने की टेंडेंसी है ये मैंने बहुत लोगों में देखा है, और अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी सर, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बाग डिस्कस करना लगते हैं, यार जीने का क्या फायदा, क्यों हम जिंदा हैं, कुछ हम आउटपुट भी नहीं दे पा रहे हैं, जो चाहते हैं वो करवा भी नहीं पा रहे। तो मेरा एक दोस्त ये सर पूछ रहा था, यार मैं बता जिंदा क्यों हूं मैं, जबकि वो चीफ इंजीनियर लेवल 1 पे है सर। जी, बोले यार जो हम काम कराना चाहते हैं, आप सर एजुकेशन फील्ड में, हमारी स्थिति अलग होती है, जो प्रैक्टिकल फील्ड है इंजीनियरिंग का, कि जो हम काम कराना चाहें इंजीनियरिंग के हिसाब से वो भी नहीं कर पा पाते हैं, तो हमारी यूटिलिटी है क्या। बोले घर में भी बच्चों की शादी हो गई, कोई फाइनेंशियल वो नहीं है, तब बात आके वो पूछते हैं यार जिंदा क्यों है हम लोग। अरे मैंने कि यही थोड़ा है, समाज में भी कुछ योगदान कर सकते हैं, कुछ आगे करें, जी सहयोग करें। और वो बीच जी में साहब काफी डिस्कस करने लगता है ये चीजें। देखिए अभी तो सुसाइड भले ही गिने चुने लोग करते हैं, परंतु यदि इसको हम समाज में एक सर्वे करें और लोगों से पूछें कि आप क्यों जी रहे हैं, है ना, तो जी बहुत सर, लोगों को जी सर, स्पष्टता नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये मैं और शरीर का अंतर स्पष्ट ना हो जाए, मैं क्यों जी रहा हूँ इसका बहुत क्लैरिटी होता नहीं है। ठीक है ना, तो जी सर, जी ये सर, जो मूल प्रश्न है ना कि मैं क्यों जी रहा हूँ, इस पे कहाँ क्लैरिटी हो पाती है। मैं तो अपनी यूएचडी के क्लास में हर बैच में पूछता हूँ कि क्या हमें यह स्पष्ट है कि हम क्यों जी रहे हैं, तो सब ऐसे उत्तर देते हैं, सर शरीर मतलब जन्म लिया है तो जिएंगे, है ना, फिर पूछे भाई क्यों जिएंगे, तो इसका कोई स्पष्ट उत्तर ही नहीं मिलता। सब बच्चे हंसने लगते हैं, सर क्या करें फिर, न जिए बट मैं क्यों जी रहा हूँ इसका उत्तर ही नहीं है लोगों के पास। उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर साधन के रूप में नहीं दिखता, जीने का अर्थ क्या समझ में नहीं आता, मैं की कॉन्टिन्यूटी समझ में नहीं आती, और जब तक ये अब साहब कॉन्टिन्यूटी समझ में ना आए तब तक आप जी, देखिए तो एक दो प्रश्नों के आगे ही व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। अब उसका साहब एक और कहना है कि बोले यदि मैं ड्रिंक करके नहीं सोऊं तो हो सकता है मैं सुसाइड कर लूं। बोले जी इसलिए अभी ड्रिंक तो करना मेरी मजबूरी हो रही है। है ना, है ना, देखिए अभी लोग तो बहुत खराब हालत में जी रहे हैं, कई सारे लोग तो अभी हालत तो ऐसी है ही, और जबकि सब उसका कहना है कि अभी मैं ऐसी जगह पैदा हुआ कि फाइनेंशियली हमारी 7 पीढ़ी के लिए हमारे पास पैसा सरिया पर्याप्त था, लेकिन फिर भी मैं कमाने पर लगा हुआ हूं, मैं ये भी नहीं समझ पाता क्यों कमा रहा हूं। उतना अच्छा, एक और उसका कहना है कि मेरे पास जो संपत्ति है ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। देखिए अभी तो ऐसा ही है, खुद ही अपने लिए समस्या पैदा करते हैं, खुद ही समस्या ग्रस्त होते हैं, फिर खुद ही समस्या से निकलने का प्रयास करते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, मामला तो ऐसा ही है। तो ये जो हम लोग लेकिन बातें कह जी सर, जी सर, ना, ये जो हम लोग बातें कह रहे हैं ये काफी मौलिक बातें हैं, ये ऐसा नहीं कि ये कुछ समाज के उपकार के लिए कहा जा रहा है, अपने स्वयं में तृप्ति पूर्वक सुख पूर्वक जीने के लिए बातें जरूरी हैं। अदरवाइज आदमी तो बहुत सारी चीजों पे अतृप्ति ढो ही रहा है, अस्पष्टता ढो ही रहा है ना, जब तक व्यक्ति को ये दिखाई न दे कि मैं चैतन्य इकाई हूं और मुझ में विकास होना है, शरीर उसके लिए साधन है, उसी अर्थ में मैं संबंधों का निर्वाह भी कर रहा हूँ, व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूँ, ये बातें जब तक स्पष्ट ना हो ना, तो आदमी जी जी तो एक कंडीशनिंग के तहत ही जी रहा है, वह शरीर मिल गया तो क्या करे, जिए, है ना, और क्या करे, अभी वो बहुत स्पष्ट नहीं क्यों जी रहे, सब जी रहे तो हम भी जी रहे हैं। जी सर, जी सर, अब अगर आदमी में ऐसी अस्पष्टता होगी तो कभी ना कभी तो सुसाइड का थॉट आएगा ही, निश्चित बात है, क्योंकि जब अस्पष्टता नहीं है तो कभी भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा, प्रश्न बड़े हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे वहां पे, यही सब कुछ करेंगे। गुरुपाल जी करें सुखी होने के लिए जीना है, देखिए सुखी होने के लिए जीना है उससे ज्यादा ठीक है कहना कि
कि मैं के विकास के लिए शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करना है, यही जीना है। जीने का मतलब क्या हुआ कि मैं और शरीर के अस्तित्व को बनाए रखना। क्यों बनाए हुए हैं? ताकि मैं का विकास हो जाए। यह स्पष्ट नहीं है जी। अगर सुविधा को उपलब्धि मान रहे हैं तो सुविधा सामयिक है, शरीर को उपलब्धि माने शरीर सामयिक है। अभी जिस रूप में संबंधों को पहचानते हैं, है ना, संबोधन के आधार पर, माता पिता भाई बहन, वो भी सामयिक है, तो फिर ये जीने का प्रयोजन स्पष्ट होता नहीं है। अभी साहब मेरे से कहने लगा, बोले यार तू ना कभी बहुत कम जाता है आउट ऑफ कंट्री घूमने वो करने, बोले तेरा तो मुझे लगता है जीना बहुत ज्यादा बेकार है मेरे मुकाबले। अरे मैंने कि ये बता तू घूम के लेके क्या लेके आया वहां से, इतने कंट्री जाता है, फाइनल एक आउटपुट लिख के बता मुझे तुझे क्या मिला वहां। देखिए थॉट कम हो जाते हैं, उसका साफ कहना ये है कि मेरी सुसाइडल टेंडेंसी के थॉट वहां जाके कम हो जाते हैं, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। तो आप कह दीजिए कि मुझे सुसाइडल थॉट्स नहीं आते तो मैं क्यों घूम। तो मैंने साहब उसे जो सोम त्यागी वाले जो एक चार भोज राजस्थान के वीडियो थे यूट्यूब पे जी, मैंने उसे वो भोजे, मैंने कहा तू एक काम कर मेरी इतना मान ले जरा, एक आज सुन के देख इनमें से सीरियल वाइज जी। फिर वो सुनने के बाद कहता है कुछ तो बात है, खैर जो बता रहे हैं जी कुछ तो उसमें है। मैंने कहा यार देखो कुछ है तो तू हमारे वाली क्लास अटेंड करना शुरू कर दे, तेरी समस्या का यही समाधान है। देखिए ये जब हम लोग प्रकृति की चार अवस्थाओं की बात करते हैं ना, तो मनुष्य को कहा ज्ञान अवस्था। क्यों कहा ज्ञान अवस्था? क्योंकि ज्ञान मनुष्य की एक मौलिक आवश्यकता है जिसको हम नहीं देख पाते। तो अभी हम ज्ञान की ओर ध्यान तब देते हैं जब समस्याओं में ग्रस्त हो जाते हैं, अदरवाइज देखें तो ज्ञान मेरी एक मौलिक आवश्यकता है। मेरी मूल चाहना है कि मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, वो भी निरंतर, वो ज्ञान से ही पूरा होगा, सुविधाओं से पूरा नहीं होगा। जी जी जी। एक साहब एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ज्ञान हम उसे ही मान के चलते हैं कि बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, एमबीए कर लिया और हमने कंपटीशन भी पार कर लिया, तो हम यही मान के चल रहे हैं ज्ञानी हो गए साहब। भाई ये बीटेक एमटेक करने से तो ज्ञान होता नहीं है, नहीं तो बीटेक एमटेक वाले सुसाइड क्यों करते। नहीं अभी देखिए जो बड़े बड़े जितने क्राइम होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। जी सर जी सर। क्राइम्स में क्रिमिनल का पता भी नहीं चलता आपको कौन है, ये सब तो पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। तो बीटेक एमटेक कर लेने से ज्ञान हो जाता ऐसा नहीं है, सूचना मिल जाती है, उसका विश्लेषण करने की योग्यता बढ़ जाती है, परंतु मान्यताओं का मूल्यांकन नहीं होता। अगर हम इच्छा के स्तर पर देखें तो हो सकता है मान्यताएं और प्रगाढ़ हो जाए, मान्यता और बलवती हो जाए। साहब ये बताएं कि इसका क्या बताया जाए, जैसे मेरे अंडर में काफी स्टाफ रहता है, मैंने यूएचबी हमारा तोमर साहब का ग्रुप एक बना रखा है जीवन विद्या स्टडी ग्रुप, उसमें साहब हम चीजें डालते भी रहते हैं, लेकिन स्टाफ जो हमारा है, जो ऑफिसर्स हैं, एसी हैं, एक्सेंस हैं, एसपीओ हैं, जेई हैं एंड लोअर डाउन, वो कहते हैं कि बोले साहब आपकी तो बेटी की शादी भी हो गई, अब आपको तो हाईएस्ट पोस्ट भी मिल गई, तो आपको तो कोई जरूरत है नहीं, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप हमसे कहते हैं आप जीवन विद्या सुनिए मेरी तरह ही। अरे मैंने कि आपको एक शांति मिलेगी, लेकिन साहब उनको जैसे कहते हैं गले से नीचे नहीं उतर पाते हैं। मैंने कहा देखिए मैं भी तो शांत रहता हूँ, काम क्या नहीं करता, मैं जितनी ड्रॉइंग सब कुछ डिस्कस करके मैंने अप्रूव कर दी, इससे पहले कितने अधिकारी कर चुके हैं आज तक, या जो मैं डिस्कस करता हूँ। फिर कहते हैं हाँ साहब ये बात तो है। अरे मैंने कहा यही आप करिए जरा शुरुआत तो करो, अब थोड़ा खाना बढ़ते हैं साहब फिर बैक आ जाते हैं, फिर वहीं लग जाते हैं। मैंने साहब बल्कि ये भी बताया कि मैंने कि देखिए मैं जहां जहां भी रहा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किसी आज तक रूफ में कोई सीलन नहीं आई, नीचे से जो डीपीसी से ऊपर सीलन जाती है घरों में देखा हो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कि यार आप भी इतना करो तो बहुत कुछ चेंजेज हो सकते हैं, ये केवल एक सोच से हो सकता है, लेकिन साहब एक एनवायरनमेंट ऐसा है चारों तरफ का,
आदमी को वो उस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसे फिर बैक खींच लेता है। तो इसमें साहब कैसे एक इम्प्रूवमेंट किया जाए या क्या उन्हें बताया जाए जिससे वो भी शुरुआत करें? देखिए, आदमी जो भी करता है सुख पाने की आशा से करता है, जिसमें उसको सुख लगता है वही करता है। तो हम किसी प्रकार उनको दिखा पाए कि सुख की निरंतरता चाहते हैं आप, और सुख की निरंतरता ज्ञान समाधान से ही है, सही समझ सही भाव से ही है। जी साहब, सुविधाओं से नहीं है, तो आदमी ध्यान दे पाता है। उसमें भी क्या हुआ ना, जो अगर आप देखें तो वर्कशॉप में जब हम लोग बात रखते हैं तो समझ संबंध सुविधा से शुरू करते हैं। इस बात को आप रखिए अगले व्यक्ति के सामने, कोई अभी तक ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिसको नकार पाए, तो उसको रखिए, है ना, वहां से बात शुरू हो सकती है। और वो तो अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे साथियों को भी संबंध में जोड़ पाए और उनके साथ हम ज्ञान के आधार पर काम कर पाए। जी सर, ठीक सर, थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया भैया। प्रभात कुमार जी, उसके बाद आरती जी। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, ये पूछना है, जैसे आपने कहा कि जीव जीव मैं है, शरीर उसका साधक है, मतलब उसके साधन है। तो मेरा सवाल उस समय उठा था, दिमाग थोड़ा मिस हो रहा है इस समय, चर्चा थोड़ी लंबी हो गई। तो जैसे हम क्या भावों को समझने आए हैं, मतलब जीवन जो है या मैं जो है, और जो B1 ब्लॉक में जो भाव, जितने भी भाव हैं, जैसे आप बोलते हो ना कि जीवन जीना है, तो क्या जैसे खुद से पूछें कि विरोध में है या संबंध में है, तो क्या हम उन भावों को समझ के जीने आए हैं? देखिए, आप आराम चाहते हैं अपने आप में, तृप्ति चाहते हैं, एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जिसमें आप निरंतर बने रह सके, उसी को नाम दिया सुख। ठीक है ना, तो जैसे हम अपने कमरे में बैठे हैं, ठीक, हम चाहेंगे आराम में हूं, बट हमारे अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं जो हमको उद्वेलित करते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे भाव हमको बनने लगते हैं जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, जिसमें हमको परेशानी होती है ना, सफोकेशन होता है, उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। तो अभी तो हम दुख से भागते रहते हैं, थोड़ा ध्यान दें तो दिखता है कि हम दुख से नहीं भागना चाहते, हम इसलिए सुखी होना चाहते हैं। और सुखी होने का मतलब क्या हुआ, तो फिर ध्यान देते हैं तो दिखता है कि सुख स्वभाव हो सकता है, जब तक प्रभाव होगा उसकी निरंतरता नहीं होगी। बाहर से कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए तो उस पर एक निर्भरता भी बनी रहेगी और वो प्रभाव हर बार काम भी नहीं करेगा। दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए तो उसकी निरंतरता भी नहीं होगी, निश्चितता भी नहीं होगी, परतंत्रता भी होगी। तो थोड़ा विश्लेषण करे तो दिखता है कि जब तक सुख का स्रोत मेरे भीतर नहीं है, तब तक मैं अभी जैसे जी रहा हूं दुख से भागते हुए, है ना, वो स्थिति बनी ही रहेगी। तो उसका तरीका क्या निकलेगा फिर, तो सुख का स्रोत अंदर कैसे होगा, तो ज्ञान से होगा, समाधान से होगा, यानी सही समझ सही भाव से होगा। तो एसेंशियली हम एक ऐसी स्थिति में होना चाहते हैं जिसकी निरंतरता रह पाए, वही सुख है, उसी को नाम दिया सुख। उसके लिए कार्यक्रम देखते हैं तो स्वयं का विकास, मैं का विकास, यही कार्यक्रम दिखाई देता है। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम दिखाई देता है तो उसको भी पूरा करके देख लें। भैया, फिर समृद्धि भी तो है, शरीर है, तो शरीर चलाने के लिए स्किल भी चाहिए, तो बिना बिना परिश्रम के तो शरीर चलता नहीं है। और ऐसा नहीं कि परिश्रम से शरीर चलता है, परिश्रम करते हुए मैं का भी विकास होता है। तो आपको दिखाई देगा कि सुविधा शरीर के लिए साधन है, शरीर मेरे लिए साधन है। ये बात हमको जितना ठीक ठीक स्पष्ट होता है उतना हम मैं को मैं के रूप में पहचान पाते हैं, फिर इनके प्रति जिम्मेदार हो पाते हैं, फिर श्रम भी करते हैं। अपने को दिखता है कि शरीर को पूरे समय बैठा रखना, इसमें कोई तृप्ति तो है नहीं, क्योंकि साधन का मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ। तो मैं साधन का सदुपयोग कैसे करूं, उसके लिए मैं श्रम करता हूँ। श्रम से मेरे में भी समझ बनती है, मैं प्रकृति की अन्य इकाइयों के साथ संबंध को भी पहचान पाता हूँ। अच्छा भैया जी, एक ही जॉब पूछनी है मेरे को जी, मतलब अभी दिमाग में आया, शायद इससे हटके है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो जाए।
जैसे कभी कभी कुछ हमारे साथ अनर्थ हो जाता है या कुछ हम नहीं कर पाते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं कि नजर सी लग गई है, तो ये सब क्या है? मतलब कि हम ऐसा बोल देते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो किसी काम को अच्छी तरह करते हैं फिर नहीं हो पाता है। बचपन से सुनता आता हूँ अपने माता जी से भी और अभी भी कई लोगों से, मैं भी उसे प्रयोग करता हूँ, या लगता है नजर लग गई है, ये क्या है मतलब? देखिए पहली बात तो ये है ना कि अगर मेरे पास निरंतर सुख पूर्वक जीने का कार्यक्रम नहीं है तो मैं अपने जीने में उलझता रहता हूँ। अच्छा। फिर उस उलझन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ किसी प्रकार। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो दूसरे पे जिम्मेदारी डाल देते हैं, मैं दुखी हूँ क्योंकि दूसरा मुझे दुखी कर रहा है। ठीक, अब दूसरे के दुखी करने में भी ये सब बातें जोड़ देते हैं। जो स्टेप फोर में हम बात कर रहे हैं कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, ये बातों को हम जितना ठीक से देख पाएंगे उतना इस तरह की मान्यताओं से उभर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जड़ का जड़ पे प्रभाव तो पड़ता ही है, तो ये हो सकता है कि किसी शरीर का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ जाए या सुविधाओं पे प्रभाव पड़ जाए या ग्रह नक्षत्रों का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़े, सुविधाओं पे प्रभाव पड़े, ये पॉसिबल है। इसके लिए हो सकता है कुछ लोगों ने मैकेनिज्म भी डिजाइन किया हो कि कैसे प्रभावित किया जा सकता है एक शरीर से दूसरे शरीर को या ग्रह नक्षत्रों से शरीर को, है ना। तो उसमें बहुत सारा फिर सिद्धियां तंत्र मंत्र भी आ जाते हैं, ये सारा कुछ पॉसिबल तो है, परंतु ये सब तभी काम करते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता। अगर हमारे अंदर ज्ञान होता है तो हम अपने आप में सुखी बने रहते हैं, शरीर को संयम पूर्वक निर्वाह करते रहते हैं, स्वस्थ बनाए रखते हैं या शरीर के साथ भागीदारी करते रहते हैं और संबंधों का भी निर्वाह कर रहे होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हम सुख पूर्वक जी रहे हैं और हमें समाधान प्राप्त है, मतलब पता है, तो इन सब बातों में कोई असर नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। अगर शरीर पे कोई असर हो भी तो उससे आपके सुख पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा। जैसे आपके चाय में चीनी की बजाय नमक डाल दी जाए तो शरीर पे तो प्रभाव पड़ेगा बट आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आप देख पाते हैं कि मुद्दा क्या है। अगला व्यक्ति नाराज होकर नमक डाल दिया है, नहीं तो कही वो चीनी की बजाय नमक उसने सुबह डाल दिया, अब दिन भर व्यवहार खराब रहा हमारा उस व्यक्ति के साथ भी, कॉलेज में सबके साथ। फिर कोई कह सकता है कि आपको नजर लग गई है, पत्नी की नजर लग गई है उदाहरण के लिए। नहीं नहीं भैया जी, ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं जी, और कोई एकाध व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं ना, मतलब चाहे घर के परिवार चाहे बाहर के हों, उनके जाने के बाद या उनकी बात करने के बाद बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मतलब पिछले कई इतिहास, मतलब पिछले कई 10-12 साल से मैंने देखा है कि मतलब किसी के आने से और घर का डिस्टर्ब हो जाता है जब उसकी बातें नहीं होती हैं, तो 3-4 महीने तक या नहीं आते हैं वो लोग, तो 3-4 महीने तक खुशखुश, जिस दिन आते हैं उस दिन झगड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो मतलब फिर भाई हम जैसे आपने बोला ना, हम किसी दूसरे पर डाल देते हैं तो हम नजर करके उस पर डाल देते हैं। वही वही, अगर आप प्रभावित हो रहे हैं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ये तो स्टेप फोर पे जो हम लोग बात कर रहे थे उसको लौट लौट के और देख ले। अच्छा। कि ये जो हम है ना शिकायत बन जाती है हमारे अंदर तभी बनती है जब मैं अपने सुख के लिए या दुख के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानता हूँ। अगला कोई अनुकूल भाव दे दे, अनुकूल विचार दे दे तो सुखी हो गए, प्रतिकूल दे दे दुखी हो गए, शरीर से अनुकूल संवेदना मिल गई सुखी हो गए, प्रतिकूल मिल गई दुखी हो गए, ये सब परतंत्रता है। अच्छा। तो हमको दिखाई देगा कि मैं अपने भाव विचार के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। अगला व्यक्ति ट्रिगर इसलिए कर पाता है क्योंकि बीज मेरे अंदर है। अच्छा। तो अच्छा, ये ना, हुआ है, हाँ। और उस पे कोई पतीला डाल दे तो वो भग जाता है, जलने लगता है। केरोसिन हो जाए, पानी हो तो नहीं चलेगा, स्टोव में अगर केरोसिन हो और उसके ऊपर लाइटर जलाइए तो भभक के आग लगेगी, पानी हो तो नहीं लगेगा। तो हमारे अंदर वो नासमझी रहती है, अगला आता है उसको ट्रिगर कर देता है। अच्छा भैया जी, ना ये मेरी वाइफ पूछेगी सवाल एक आपसे। जी हाँ सर, प्रणाम। जी प्रणाम सर। ये तो जो ये बात ये बोल रहे ना, ये मैंने भी महसूस की है, ये बड़ी अजीब मतलब गरीब घटना होती है कि 2-3 बार घटी हम लोग के साथ।
कि कोई एक ही पर्सन जब जैसे ही हमारे घर से जाता है एक के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना शुरू करता है जाते ही सर, ये नहीं उसके 2-3 घंटे के अंदर हमारा 20 से 30 हजार का नुकसान हो जाता है और वो पता नहीं, और ये एक बार नहीं 2-3 बार हुआ है। ये थोड़ा बड़ा अजीब सी घटना होती है, ये समझ में नहीं आता है हम लोग को, ये है क्या? देखिए एक तो है ना एक योग संयोग भी हो सकता है, तो एक तो हम अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का देख लें अभी स्थिति क्या है, उस व्यक्ति के आने से पहले देख लीजिए ठीक है। अब तो यही चेक करना पड़ेगा तो ये एक संयोग हो सकता है, पर्टिकुलर समय उसी समय सेलफोन भी मतलब टूट जाता है, उसी समय वॉशिंग मशीन खराब होती है, उसी समय कार खराब हो जाती है, उसी समय मतलब सब कुछ समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है, मतलब हम लोग परेशान हो जाते हैं, फिर हम लोग अपने को बटोर लेते हैं कुछ मतलब 2-3 घंटे में इकट्ठा कर ले चलो छोड़ो ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर वही जब इंसान दोबारा आता है फिर वही होता है। देखिए ऐसा हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ना आज के दिन अगर इनका देखें तो लाइफ है 3 साल का लगभग रहता है, 3 साल 4 साल ठीक है, और 1 साल बाद वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, तो अगर वो व्यक्ति हर 1 साल बाद आते हैं तो ये आपको लगता है कि ये उनके आने से हो रहा है, तो खराब होता है ना आज, चलो आज वॉशिंग मशीन खराब होगी, चलो कल कार खराब होगी, कल खराब होनी चाहिए कार, परसों मोबाइल को खराब होना चाहिए, मगर आदमी ने कार में बैठा कार खराब हो गई, तब तक इधर वॉशिंग मशीन मैंने ऑन की वो खराब हो गई, तब तक उधर उधर अभी वो आदमी स्टेशन तक नहीं पहुंचा है, उधर मोबाइल गुम हो गया है, इधर मोबाइल टूट गया। तो ये घटना एक बार नहीं तो 3-4 बार हुई है, हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। ये बहुत अजीब घटना है, इसको और थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए जी। हाँ थोड़ा और कर लेंगे मगर अब तुमने आना बंद करा दिया। नहीं नहीं वो बेहतर हुआ, एक तो जो भैया लिख रहे हैं ना चंद्रशेखर जी ने लिखा कि उन व्यक्ति के प्रति हमारा भाव कैसा है उसको भी जरा ऑब्जर्व करें कि संबंध का भाव बना हुआ रहता है कि नहीं। भाव तो बहुत अच्छा रहता है सर, मगर उधर से थोड़ा कमी लगती है, जो व्यक्ति उधर से थोड़ा कमी लगती है, लापरवाही लगती है, इधर से तो पूर्ण भाव है, अच्छा भाव है, मगर ये सर पता नहीं क्या है, बस यही कहना था सर। जी जी ठीक है, धन्यवाद भैया जी, बढ़िया बढ़िया भैया। आरती जी का हैंड रेस था, आरती मोहनपुरकर जी का। आरती जी अगर आप कुछ रखना चाह रही थी तो कानी राजा जी। भैया अभी मेरा समय हो गया है निकलने का, अभी नहीं बोल पाऊंगी मैं। ओके ओके ठीक है, हाँ मैं कल पूछ लूंगी जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, ये भैया का और दीदी का सवाल सुना है भैया, ऐसा होता है कई बार चेन रिएक्शंस जैसे क्रिएट हो जाता है और हम उसको नजर या किसी व्यक्ति का प्रभाव हो सकता है, इन किसी व्यक्ति का नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा हो, लेकिन ये महसूस हो सकता है कि जैसे एक चीज खराब हुई, वो बंदे ने कार में बैठा कार खराब हुआ, उसी वक्त अपन इतना परेशान हो जाते हैं, और हो सकता है कि अपना वॉशिंग मशीन चालू करते वक्त उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान रह गया, कुछ कॉइन ही रह गया, तो ये हम और गहरे में महसूस करेंगे, हो सकता है कि अपनी गलती रहा हो, और अपना अवेयरनेस अगर सही नहीं हो तो अपने पैकेट से ही मोबाइल नीचे गिर गया, गलती अपनी है, लेकिन अपन उस व्यक्ति का आड़ ले रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक चेन हो रहा है, क्योंकि हम अंदर से ऑलरेडी डिस्टर्ब नहीं, ये मेरा ऐसा महसूस करना है, और हाँ ये सबके साथ होता है क्योंकि उस इंसिडेंट से हम ऑलरेडी प्रभावित हो चुके हैं और उसी की वजह से और लापरवाही अपने अंदर ही कर रहे हैं, तो मोबाइल गिर रहा है, मोबाइल टूट रहा है, मोबाइल घूम रहा है, यानी अपन अवेयर नहीं है, अपन कहीं ना कहीं रख दिए, यही मेरा कहना है भैया। और ये भी हो सकता है कि अन्य अवसरों पर भी ऐसा हो रहा होगा, हो रहा है बिल्कुल, रिलेट नहीं कर रहे होंगे है ना। हाँ बिल्कुल हो रहा है, और उन अवसर में अपन थोड़ा ध्यान साधारण रह के देते हैं, इस अवसर में अपन उसी भी व्यक्ति के साथ जोड़ के ही देते हैं, तो पहले भी ऐसा हुआ था, तो वो अपन पूर्वाग्रहित हो जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, तो काफी संभावना है इसकी। चैट बॉक्स में एक प्रश्न है भाग्यशाली जी का, ज्ञान बराबर सुख,
ज्ञान मतलब चिंतन क्रिया का जागृत होना, बोध क्रिया का जागृत होना, अनुभव क्रिया का जागृत होना, यही ज्ञान है। तो ये जो बातें यहाँ लिखी हुई है, क्या मेरे अंदर हर मनुष्य के प्रति हर क्षण संबंध का भाव बना रहता है, क्या मेरे अंदर हर क्षण व्यवस्था का भाव बना रहता है, क्या मेरे अंदर हर क्षण सहस्तित्व का भाव बना रहता है, ये देखना है। तो संबंध का भाव बना रहना, व्यवस्था का भाव बना रहना, सहस्तित्व का भाव बना रहना ना, ये ज्ञान के आधार पर है। तो ज्ञान मतलब ब्लॉक B1 का एक्टिव होना, उसके आधार पर इच्छा में निश्चित भाव होना, उस निश्चित भाव के आधार पर निश्चित विचार होना, ये समाधान है। तो ज्ञान से समाधान, समाधान से सुख, ये अगर देखे तो ऐसा दिखाई देता है। बढ़िया, किसी और का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। इसको हम लोग बार बार देखें अपने अंदर। तो जैसे अभी जो प्रश्न आए, जो शेयरिंग हुई, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे मुद्दों पे हमारे अंदर कोई ना कोई मान्यता काम कर रही होती है जो हमको अस्पष्ट रहती है। तो उस पर अपने को ठीक से ध्यान देना है, ठीक से अपने ऊपर काम करना है। विनोद जी, बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है भैया, नमस्ते, नमन सबको। और सोसाइट्स में लेकर के और कोई व्यक्ति आता है, हमारे उपकरण खराब हो जाते हैं, और आखिर में जो ज्ञान, समाधान और सुख, वो स्टेप भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को सुबह जब आता हूँ, अपने को ऐसा लगता है कि आपके साथ जुड़ कर के, मतलब अगर बैठोगे पास फूलों के जाके तो लौटोगे किसी दिन खुशबू बसा के। तो जिस दिन मैं नहीं जुड़ पाता हूँ, उस दिन मेरे को ऐसा लगता है जैसे दिन भर की प्रक्रिया में, ऑब्जर्वेशन में ही आता है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। और इसी के साथ मैं अपने को विराम देता हूँ भैया, कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्ते। बढ़िया भैया, तो इसको हम अपने आप में देखें, इसको हम अपने आप में देखें कि क्या मुझे इसकी अनिवार्यता दिख रही है कि नहीं, कि मेरे अंदर संबंध का चिंतन हो, व्यवस्था का बोध हो, सहस्तित्व का अनुभव हो। ये भी देखें कि जब मेरे अंदर संबंध का भाव रहता है तो बाहर की घटनाओं का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कोई गलत व्यवहार कर दे, मेरा किस प्रकार का विचार रहता है, मेरा कैसा व्यवहार रहता है। तो हर एक के प्रति संबंध के भाव के साथ भाव को देखने का प्रयास करना है कि हर एक व्यक्ति के प्रति संबंध का भाव बना रहे। ये जब हम निजी संबंधों में एक एक संबंध से आगे बढ़कर हर एक के साथ संबंध को देखने जाते हैं तो व्यवस्था पे सहज रूप से ध्यान जाता है, जो पहले बात हो रही थी, प्रश्न आ रहा था ना, बहुत बढ़िया जी। व्यवस्था पे सहज रूप से मेरा ध्यान जाता है, परिवार की व्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो, समाज में किसी इकाई में हम काम कर रहे हैं, कोई संस्था में काम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था जी जी। तो उस पे हमारा ध्यान सहज रूप से जाता है। और जब उस व्यवस्था को भी हम ठीक ठीक पूरा समझने जाते हैं तो सहस्तित्व पे ध्यान जाता है, इस व्यवस्था को बार बार मुझे बनाना पड़ेगा या व्यवस्था बनी हुई है। ये व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है ना, शाश्वत है, ये हमें तब दिखाई देता है जब सहस्तित्व स्पष्ट होता है कि व्यवस्था शाश्वत है, थी है और रहेगी, ठीक है ना, और मुझे उसमें भागीदारी करना है। ये आश्वस्ति, ये तृप्ति, ये अपने आप में एक स्थिरता बन पाती है सहस्तित्व के भाव के साथ। तो जितना जितना हम संबंधों में बारीकी से अपने भाव को ऑब्जर्व करते हुए निर्वाह करते हैं, हर एक संबंध की ओर जब ध्यान देते हैं, हर एक संबंध में न्याय को सुनिश्चित करने जाते हैं, संबंध के भाव को सुनिश्चित करने जाते हैं, तो व्यवस्था को देखना बनता है। और व्यवस्था को जब हम हर एक स्तर पर व्यवस्था को सुनिश्चित करने जाते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जाते हैं, तो फिर सहस्तित्व को देखना बनता है। इस क्रम में मेरा सतत विकास होता जाता है जी। तारा प्रसन्ना जी, नमस्ते, नमस्ते सभी को। भैया एक बात आप रखे कि
सजेस्ट के द्वारा मेघ का विकास जो बात रखे आप, तो मेघ का विकास में शरीर का कैसा रोल है, थोड़ा मतलब इलैबोरेट करेंगे। जैसे अभी हम लोग जो संवाद कर रहे हैं शरीर के माध्यम से ही कर पा रहे हैं जी। अगर ये शरीर ना हो तो ये संवाद नहीं हो पाएगा, वंचित हो जाएंगे हमसे, है ना, बाधित हो जाएगा। तो अपने ऊपर जो ध्यान देना है, जो काम करना है, जो जी कर देखना है, वो भाग तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो शरीर के माध्यम से हम प्रस्ताव को ले पाते हैं, उसको जी कर देख पाते हैं, जी कर देखने से जांचने का काम भी ज्यादा बारीकी से और ठीक ठीक होता है, फिर विचार विचार तक रुके नहीं रह पाते। तो ये सारा अवसर तुमको शरीर ही देता है, इसी अर्थ में तो शरीर साधन है, ये शरीर की भागीदारी है, यही शरीर का सदुपयोग है। ये सब काम शरीर के माध्यम से ही कर पा रहे हैं, बिना शरीर को तो कर ही नहीं पाते। तो भैया ये बोलना सही है कि मैं का विकास शरीर के बिना संभव नहीं है। जी ठीक बात है, ठीक ठीक है, धन्यवाद। एक सीमा के पहले तो संभव नहीं है, है ना। अब ये थोड़ा ऊपर रख सकते हैं कि क्या व्यक्ति अपने आप में भी बिना शरीर के इन बातों को जांच समझ सकता है। तो अभी अगर देखें जो स्थिति है, जो हम कल्पनाशीलता के आयाम में जी रहे हैं, उसमें तो संभव नहीं है। कोई अगर अनुभव के आयाम में जा पाता है ठीक, और आगे की स्थितियों को स्वयं में ही देखने के लिए काम कर पाता है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज शरीर की अनिवार्यता तो रहेगी। जी बढ़िया भैया, इस चीज को हम अपने आप में देखें, बारीकी से देखें, क्योंकि अब आगे जो हम लोग स्टेप पे बात करने वाले हैं वो इसी को कंटिन्यू करने की बात है कि हमको संबंध के भाव को देखना है, व्यवस्था के भाव को देखना है, शासित्व के भाव को देखना है, परंतु उसकी आवश्यकता स्पष्ट होना जरूरी है। तो हम जब भी किसी समस्या में होते हैं हम देखें कि हमारा विचार क्या चलता है, हमारा विचार बाहर की चीजों को ठीक करने के अर्थ में चलता है या स्वयं की क्रियाओं को जागृत करने के अर्थ में चलता है, इन दोनों में काफी अंतर है। परिवार में किसी व्यक्ति के साथ समस्या है, हम दूसरे को ठीक करने में लग जाते हैं। समाज में किसी व्यक्ति के साथ समस्या, हम दूसरे को ठीक करने में लग जाते हैं, नहीं ठीक कर पाते हैं, विरोध में आ जाते हैं, संघर्ष करने लगते हैं कि नहीं। बट अपने ऊपर काम करना है, ये निष्कर्ष पे हम कई बार पहुंच ही नहीं पाते, और हम में से मतलब ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक सीमा तक तो पहुंचते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। हमको ये दिखता है कि अल्टीमेटली तो मुझ पे ही काम होना है, ठीक, दूसरे पे भी जो काम कर रहा हूं मैं, उसके अगर ध्येय के रूप में देखें, लक्ष्य रूप में देखें, तो मेरा अपना विकास होना है। ये बात अगर हम स्पष्ट रूप से न देख पाए तो हम एक सीमा तक अपने ऊपर काम करते हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ कह के अपने आप को एक्सप्लेन कर ले जाते हैं, ठीक है एक ही शरीर यात्रा में सब पूरा हो जाए क्या जरूरी है, अरे चलता है, है ना, ऐसा ना हो जाए कि कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ वैसा हो जाए, है ना भाई, हम तो परिवार में रहते हैं, कोई साधु संन्यासी तो है नहीं, कोई महात्मा तो है नहीं, ऐसा कह के आप देखेंगे हम कई बार चीजों को एक्सप्लेन कर ले जाते हैं कि ठीक है इतना भर हो गया, ठीक है आराम से जीना हो जा रहा है, शरीर चल जा रहा है, परिवार चल जा रहा है, ठीक, इतने भर में हम अपनी कल्पनाशीलता को समेट लेते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी फिर स्थिति जब प्रतिकूल होती है तो हमारे अंदर प्रश्न फिर से खड़े होते हैं, फिर से हमको लगता है कि अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये अगर हमको सहज रूप से दिखाई दे कि बिना चिंतन क्रिया जागृत हुए मुझ में सुख नहीं है, बिना बोध क्रिया जागृत हुए मुझ में सुख नहीं है, बिना अनुभव क्रिया जागृत हुए मुझ में सुख नहीं है, जो भी है वो एक प्रभाव के रूप में है, ठीक है ना, तो फिर हम उस दिशा में गति कर पाएंगे, फिर निर्णय ले पाएंगे, उस दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे, फिर हमारे निर्णयों में फेरबदल नहीं होगा, उलटफेर नहीं होगा। तो आवश्यकता को अपने आप में स्पष्ट करने की जरूरत है ना, ये आवश्यकता मुझे स्पष्ट हो जाए दिखे। जी इसलिए स्वयं विकास के साथ समाज में भागीदारी आवश्यक जी, है ना। तो स्वयं में विकास करने के लिए हमको स्वयं में जांचना भी जरूरी है,
यानी इन क्रियाओं को जागृत करना, चिंतन बोध अनुभव, और भागीदारी करना यानी जी कर देखना भी जरूरी है, तभी इसकी अनिवार्यता बनती है। तो जो पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि जितना हम फैल के भागीदारी करते हैं, जितना फैल के हम जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, ठीक, उतना हमारे अंदर समझने की अनिवार्यता बनती जाती है। जैसे हमने अगर शरीर के प्रति जिम्मेदारी स्वीकारी तो शरीर को समझने की अनिवार्यता बनती है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी स्वीकारी तो संबंध को समझने की अनिवार्यता बनती है, समाज के प्रति भी हम अगर जिम्मेदारी स्वीकारते हैं कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है कि समाज अखंड हो, तो उतना फैल के सोचेंगे, अपने अंदर प्रेम के भाव को, करुणा के भाव को जागृत करने का प्रयास करेंगे कि समाज अखंड हो, है ना, जो समाज की स्थिति है इसमें परिमार्जन हो। अगर हम शिक्षा तंत्र में हैं तो शिक्षा को परिमार्जित करने की जिम्मेदारी लेंगे, स्वास्थ्य तंत्र में है स्वास्थ्य तंत्र को परिमार्जित करने की जिम्मेदारी लेंगे। ये जिम्मेदारी से, है ना, जब तक हम दूर रहते हैं तब तक इसकी अनिवार्यता बनती नहीं है, तो काम चलता रहता है। जब ये जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं कि नहीं ये तो मेरी जिम्मेदारी है, अगला व्यक्ति जितना कर दे उसका उपकार है, जिम्मेदारी मेरी है, जब ये भाव हमारे अंदर आता है तो हम ठीक ठीक अपने कार्यक्रम को तय कर पाते हैं। फिर हर क्षण मेरा कार्यक्रम इसी अर्थ में होता है कि हर चैतन्य निकाय का विकास हो पाए। यहाँ पहुंचने में हमें समय लग सकता है, परंतु समय का कोई मुद्दा नहीं है, अल्टीमेटली मैं निरंतर हूँ, आप निरंतर हैं, हर चैतन्य निकाय निरंतर है, यही करने का काम है, तो समय का लेखा जोखा क्या रखना, हर क्षण यही काम करेंगे नहीं। इसको आज हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, कल फिर इस पर शेयरिंग लेंगे और आगे चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।